पूरा मामला ये है कि राहुल गांधी जी 8 मई 2018 को बंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के और गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी पर अभद्र टिप्पणी किया था, उनको हत्या का अभियुक्त बताया था। इसी बात से आहत होकर के यहाँ के तत्कालीन सुल्तानपुर के भाजपा उपाध्यक्ष और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय मिश्रा जी ने परिवाद दायर किया था और परिवाद में हमारी बहस को कंसीडर करते हुए धारा 500 आईपीसी के तहत माननीय राहुल जी को तलब किया था। राहुल गांधी जी 20 फरवरी 2024 को माननीय अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करा चुके हैं। चूंकि पत्रावली बयान मुलिम में है और बयान मुलिम में वो कई पेशियों से हाजिर नहीं आ रहे थे, हमने उस पर कड़ा ऑब्जेक्शन किया और हमारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करते हुए आज के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने उनको तलब किया है। आज उनका बयान मुलजिम माननीय अदालत के समक्ष होना है। लगभग कितनी हियरिंग से वो नहीं उपस्थित हो रहे थे? अब 20 फरवरी से लगातार वो नहीं आ रहे थे, करीब दसियों पेशी चला मुकदमा, उसके बाद नहीं आए। कोर्ट ने उनको यहां तक कहा कि यदि 26 जुलाई को नहीं उपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न कार्रवाई किया जाएगा, इसलिए आज उनको आना पड़ रहा है अदालत में। तो आज क्या प्रोसीडिंग होगी? आज उनका बयान जो है माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज होगा, बयान दर्ज होने के बाद मुकदमा एविडेंस में आएगा जी, आगे प्रोसीड करेगा। हमारी तरफ से जो भी गवाही होगी हम गवाही देंगे। मिश्रा जी का क्या टेक है? जी मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी अभी आ रहे हैं, वो कंप्लेनेंट हैं, वो समय से माननीय न्यायालय में पहुंचेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पर कोर्ट के में, क्या वाकया हुआ, क्या बयान दर्ज हुआ, क्या कहा? माननीय राहुल जी का मुकदमा MPMLA कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नहीं था, माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा है कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं, इन राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियत है, 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस यस ऑफ कोर्स। कई बार जो आपके पोजीशन की तरफ से बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे थे और अब अंततोगत को आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी, उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी, न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस के काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत तिथि पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम और विश्वास। धन्यवाद, थैंक यू।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।